बंद डिब्बे से झांकती इस रोशनी ने मेरे डर को तोड़ दिया। माँ तुमने क्यों छोड़ दिया, गंगा की लहरों ने भी गंगा से मुंह मोड़ लिया। माँ तुमने क्यों छोड़ दिया, वो कौन सी मजबूरी थी जिससे मैंने लाल चुनरी का आंचल ओढ़ लिया। माँ तुमने क्यों छोड़ दिया, मेरे हाथों में चुभती ये सुइयां जिससे मैं बहुत डर गई। माँ क्या मैं तुम्हारे लिए मर गई। हमारे देश में जगह जगह से खबरें आती हैं, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी कि किस तरह से बेटी हो जाने पर बहुत सारे लोग नाखुश हो जाते हैं, बेटियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, शॉर्ट फिल्म भी बनते हैं कि बेटी और बेटा एक बराबर होते हैं। उस जमाने में, उस समय गंगा किनारे रहने वाला एक मल्ला गुल्लू चौधरी एक बेटी को अपनाने के लिए तैयार है। उसकी ममता उसके सीने से चीर के बाहर आ रही है, उसके चेहरे की सिकन ये साफ जाहिर कर रही है कि उसकी प्राथमिकता घर नहीं है, उसकी प्राथमिकता सड़क नहीं है, उसकी प्राथमिकता है कि गंगा किनारे मिली बेटी को वो अपना ले। उसे लगता है कि माँ गंगा ने उसे ये वरदान दिया है, उस बेटी को उसे सौंपा है, लेकिन कानून है और कानून का पालन तो गरीब जनता को करना ही पड़ता है, प्राथमिकता होती है, बाकी दूसरी बातें होती हैं। तो कानून के तहत तो वो बेटी गुल्लू चौधरी को ना मिल सकी, लेकिन सीएम योगी का दिल जरूर पसीस गया और गुल्लू चौधरी के लिए सारी सुविधाएं पहुंचा दी। जी हाँ, जिलाधिकारी पहुंचे ददरी घाट गुल्लू चौधरी के घर के पास। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के ददरी घाट, जहाँ गुल्लू चौधरी का टूटा फूटा सा मकान है, गंगा किनारे रहता है, जब बाढ़ आती है तो गंगा का पानी उसके घर में पहुंच जाता है। वो गुल्लू चौधरी जिसके घर तक जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, बीच में एक 15 फुट का नाला बहता है जिस पर आज तक नगर पालिका का ध्यान नहीं गया। जिलाधिकारी वहां पहुंचते हैं, नगर पालिका को निर्देशित करते हैं कि यहां सड़क बनाई जाए। वो गुल्लू चौधरी से कहते हैं कि तुम्हें राशन कार्ड दिया जाएगा, तुम्हें घर दिया जाएगा, सीएम योगी का ये आदेश है, सीएम योगी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन गुल्लू चौधरी की प्राथमिकता थी कि किसी तरह से गंगा उसे मिल जाए, वही गंगा जो गंगा किनारे मिली थी, वो छोटी सी बेटी, ना जाने किस पत्थर दिल माँ ने उसे उस किनारे छोड़ दिया था। उसकी ममता भी नहीं जागी, वो उसे अपना भी ना सकी, लेकिन अपनाने के लिए तैयार था गुल्लू चौधरी, लेकिन गंगा उसे अब तक ना मिल सकी। सुनिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने क्या कहा। बहुत सारा काम किया आपने, बहुत ही बढ़िया काम किया, नेक काम किया, इसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। किधर से निकलते हैं, रास्ते किधर? रास्ता सर हमारा नहीं मिला, जो दीवार देखिए वही हमको रास्ता किधर से मिल जाता तो सही। कौन सा रास्ता? हमको रास्ता चाहिए आने जाने के लिए, रास्ता नहीं है सर, पूछ लीजिए दीवार डाँक के सब लोग जाते हैं। देखो इनका रास्ता किधर से बन सकता है, नाव देते हैं आपको, एक नाव देते हैं, ठीक है? कहाँ मिलेगी नाव मुझे बता दीजिए, हम आपके लिए एक नाव की व्यवस्था कराते हैं जिससे आपका जीविका चलती रहे आसानी से, आपको किसी और से नाव मांगने की जरूरत न पड़े। और कुछ बताइए, नाव दिलवा दीजिए, रास्ता का हमारा ये भी कराएंगे, रास्ता भी कराएंगे, ठीक है? खुश हैं आप? हाँ खुश हैं सर, हम नाव दिलाते हैं आपको। जी हाँ, लेकिन उसको भी चाहते हैं कि चाहते हैं, अभी तो बच्ची हॉस्पिटल में है। ठीक है सर, हॉस्पिटल में है और ये ददरी घाट है, गंगा के किनारे ही है, और यहाँ गुल्लू चौधरी जी को कल एक छोटी बच्ची मिली थी एक बॉक्स में, और इन्होंने तत्काल उस बच्ची को अपने घर ले गए और फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिला महिला अस्पताल। अभी हमने जिला महिला अस्पताल जाकर उस बच्ची का हालचाल जाना और देखा, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वेट भी लगभग 3.5 kg डॉक्टरों ने बताया है, और उसका समुचित इलाज भी जिला महिला अस्पताल में चल रहा है, एसएन वार्ड में है। गुल्लू जी ने बहुत नेक काम किया और हम लोग गुल्लू जी से मिलने आए थे। यहाँ ये भी देख रहे हैं कि गुल्लू जी ने कैसे उस बच्ची को कहाँ से पाए और कैसे ले गए, इनके काम की न केवल
गाजीपुर बल्कि पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है और राज्य सरकार के स्तर से भी इनकी प्रशंसा की गई है। इनके इस नेक काम को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि गुल्लू जी से मिला जाए, गुल्लू जी की एक रास्ते की समस्या बताई है, इस रास्ते की समस्या का समाधान कराएंगे। प्लस इनके पास जीविका का कोई अन्य साधन अभी फिलहाल नहीं है, एक नाव है इनके चाचा जी की जिसको चलाते हैं, हमने इनको एक नाव देने का प्रस्ताव दिया है, एक नाव की व्यवस्था हम लोग कराएंगे इनके लिए। और जहाँ तक बच्ची की बात है, बच्ची का इलाज अभी चल रहा है और बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। सर शासन की तरफ से भी कुछ निर्देश आए थे इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा हुई है कि उस बच्ची का लालन पालन और उसकी शैक्षणिक व्यवस्था और उसके भविष्य की व्यवस्था का पूरा पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने इसीलिए अभी देखा, इनसे बात भी किया, इनके पास पक्का मकान बगल में है, चार कमरे हैं उसमें, और मकान ही नहीं बल्कि और भी और कोई व्यवस्था हो सकती है कोई, मैंने इसीलिए गुल्लू जी से भी बात किया, जो भी और हम इनके लिए कर सकते हैं वो अभी हम करेंगे। फिलहाल तात्कालिक रूप से इन्होंने एक नाव की मांग की है तो हम लोग इनके लिए एक नाव की व्यवस्था करेंगे। बच्चों को भी बच्ची स्वस्थ हो जाए। जब जिलाधिकारी गुल्लू से मिलने गए तो गुल्लू जिलाधिकारी से निवेदन करता रहा कि साहब गंगा को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे पालना चाहता हूँ। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा कि इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। गुल्लू की ममता तो जाग उठी है, लेकिन देखते हैं कि गुल्लू को गंगा मिलती है या नहीं मिलती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।